अगर आप विदाउट गूगल एडसेंस अप्रूवल अर्निंग करना चाहते हो अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, तो यार इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ हाईएस्ट पेइंग एड नेटवर्क। ये एड नेटवर्क जो आपको एड प्रोवाइड करता है वो गूगल एडसेंस की तरह के ही एड होते हैं जो आपको आपके ब्लॉग के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो यार गूगल एडसेंस के एड्स अगर आपको आपके ब्लॉग पे देखने को मिले इस एड नेटवर्क के थ्रू, तो क्या इशू है, यहाँ पे आपको अर्निंग भी अच्छी खासी मिलेगी। तो यह वीडियो आपने पूरी देखनी है, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कैसे आप लोगों ने अपने ब्लॉग के ऊपर एड्स को सेटअप करना है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करें। यहाँ पे इसका अप्रूवल भी आपको ईजिली मिलेगा, प्रैक्टिकली लाइव आपको लेके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। चलो यार वीडियो को शुरू करें। यहाँ आपको बताता हूँ कैसे आप लोगों ने होलिंगा ऐड नेटवर्क को ऐड करना है अपने ब्लॉग के साथ, कैसे अटैच करना है, उसके कोड कैसे पुट करना है, और कैसे अप्रूवल लेना है, और कैसे पेमेंट मेथड ऐड करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफ़ा आए हो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोज आप तक आ सके और आप इनसे फायदा उठा सके। तो यार इस साइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहां से इसे ओपन कर लेना। साइनअप के बटन पर प्रेस करो। जब आप साइनअप के बटन पर प्रेस करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगा। आपने यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, वो कैसे करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, यहाँ पे डोमेन नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है। यहाँ पे अपनी डोमेन का नेम यहाँ से कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, आके इस वाली सेंटर वाली जगह पे अपनी डोमेन का नेम दे दो, और डोमेन नेम देने के बाद ऊपर अपना ईमेल एड्रेस दे दो, कोई भी एक ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे यूज़ कर लो। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लो जिसके थ्रू आप लॉगिन करना चाहते हो। डोमेन एंटर करते हुए आपने ये देख लेना आपने HTTPS को यूज़ नहीं करना। देन आपने रजिस्टर के बटन पर प्रेस करना है, और यहाँ पे इस तरह से आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आती है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड के बटन पर प्रेस करना है। अब ये वाला कोड है, इस कोड को आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना अपने ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के ऊपर, वर्डप्रेस का भी अभी बताता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने चले जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करते जाना, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ads.tst। अब देखो मोनेटाइजेशन है, यहाँ पे इसे अलो कर दो, इसमें कस्टम ads.tst आ गया। यहाँ पे आगे पेस्ट कर दो, सेव चेंजेस के बटन पर प्रेस कर दो। इतना काम करने के बाद आपका काम यहाँ पे डन हो चुका है ब्लॉगर का। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस भी करना चाह रहे हो तो वर्डप्रेस पे कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। आपने अपनी वर्डप्रेस की साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है ads.tst के नाम से, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखो ads.tst आ चुका है। यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आके अपना वो कोड आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे होलिंगा पे, यहाँ आके वेरीफाई के बटन पे प्रेस करना है। वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे ये कोड आपने हेड के नीचे लगाना है। इस कोड को यहाँ से कर लो कॉपी। ये देखो ये वाला कोड है, ये कोड आपने यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद चले जाना ब्लॉगर के ऊपर। ब्लॉगर पे जाने के बाद अब आपने हेड टैग में यूज़ करना है, थीम के अंदर आना, ड्रॉप डाउन बटन पर प्रेस करना है, और यहाँ पे एडिट HTML के बटन पर प्रेस करना है, और यहाँ हेड टैग है इसके नीचे आपने ये कोड पेस्ट कर देना है, और इसे कर देना है यहाँ से सेव। तो अगर वर्डप्रेस पे यूज़ करना चाह रहे हो तो वर्डप्रेस पे आ जाओ। यहाँ पे आपको प्लगइन देखने को मिल जाएगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ये वाला प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपने यहाँ पे आकर पेस्ट कर देना कोड हेड टैग के नीचे। ये वाला हेड टैग होता है टॉप पे, पेस्ट करके इसे यहाँ से नीचे से सेव कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉगर को लेकर चलने वाला हूँ इसलिए मैं इसी पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने आ जाना है होलिंगा पे, यहाँ वैलिडेट के बटन पर प्रेस करना है। यहाँ पे उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी। अब अभी आप फ़ौरन से लॉगिन नहीं कर सकते, आपको एक ईमेल आएगा आपकी ईमेल के ऊपर। कुछ देर के बाद आपकी ईमेल पे एक मेल आ जाएगा जिसके बाद आपको बता दिया जाएगा आपका अकाउंट बन चुका है। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले लिंक के ऊपर। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे इसका पब्लिशर का होम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो ईमेल आपने रखा था वो लगाना, और यहाँ पे नीचे पासवर्ड देना है, देन लॉगिन के बटन पे प्रेस करना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, इसी ईमेल पे एक कोड लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करोगे इस तरह से ऐड कोड्स आपके सामने आ जाएंगे। देखो ये ऐड कोड्स है। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इन कोड्स को पेस्ट करना है कहाँ पे। ये वाला ऐड जो है आप यूज़ कर सकते हो हेडर के ऊपर और अपने फुटर के ऊपर। इसे कैसे यूज़ करना है, देखो यहाँ पे ये कोड दिया हुआ है। इस वाले कोड को डिव से लेके डिव तक आपने करना है, यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाना अपने लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आने के बाद देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो होम का टॉप वाला ऐड होता है।
अब यहाँ पे आके आप देख लो, जहां जहां आप ऐड डिस्प्ले करवाना चाहते हो वहां वहां ऐड डिस्प्ले करवा सकते हो। यहाँ पे आके मैंने इस कोड को पेस्ट किया, सेव कर दिया, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब आप लोग यहाँ फुटर में भी इस ऐड को यूज कर सकते हो, जैसा कि ऐड होम और फुटर के अंदर आ सकता था, तो मैं इसे यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं फुटर के ऊपर इसे यूज नहीं करना चाह रहा। अब दूसरा ऐड यहाँ पे कौन सा आता है, वो यहाँ पे आता है साइड बार का ऐड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ऐड जो है यहाँ यहाँ डिस्प्ले होगा, ये आपने साइड बार में यूज करना है। यहाँ डिव से लेकर डिव तक ये कोड भी कर लो कॉपी, कॉपी करने के बाद लेआउट के अंदर आ जाओ। यहाँ आने के बाद देखो साइड बार के ऐड जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ये आपका साइड बार एरिया है। तो ये ऐड एक मैं साइड बार के अंदर यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे आके मैंने एडिट के बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे आके कंटेंट की जगह यहाँ पे एक कोड पेस्ट करके सेव के बटन पे प्रेस कर दिया। अब उसके बाद एक कोड ऐड लगाना है, तो यहाँ पे आके एडिट HTML के बटन पे प्रेस करके यहाँ भी मैं साइड बार के अंदर एक कोड ऐड शो करवा लेता हूँ, ठीक है। इतना आपने कर लेना है। करने के बाद आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे फिर से। अब यहाँ पे देख लो इन कंटेंट वाला ऐड है ये, यानी कंटेंट के अंदर आप पोस्ट के अंदर इसे यूज कर सकते हो। अब इस कोड को कर लो पेस्ट, करने के बाद आ जाओ अपनी किसी भी एक पोस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे पोस्ट के अंदर आ गए हम, इस वाली पोस्ट के अंदर आ गए। पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे कंपोज व्यू के ऊपर चले जाओ। यहाँ आने के बाद देखो मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दो ऐड कोड। इतना लिखने के बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे आना है HTML पे। HTML पे जाने के बाद यहाँ कंट्रोल F लिखना, यहाँ लिखना है ऐड कोड। और ये देखो आपका ऐड कोड यहाँ पे येलो हो गया। यहाँ पे आके इस कोड को रिमूव करके यहाँ पे कोड पेस्ट कर दो ऐड का, देन अपडेट के बटन पे प्रेस कर दो। अब आपके ऐड कोड लग चुके हैं। अपने ब्लॉगर के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू ब्लॉग के बटन पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आके देखते हैं हमारे ऐड यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हुए है या नहीं। तो यहाँ पे देख लो आपका होम के ऊपर टॉप पे एक ऐड आ गया आपके सामने, ठीक है। देख लो एड्स बाय गूगल ही हो गई, एड्स बाय गूगल। ये एड्स ऐसे ही होते हैं जैसे गूगल एडसेंस के एड्स है। एक ऐड आपको यहाँ पे साइड बार के अंदर देखने को मिल गया, दूसरा ऐड भी यहाँ पे साइड बार के अंदर आ गया, क्योंकि साइड बार में हमने दो ऐड यूज किए थे। एक ऐड हमने यहाँ पे यूज किया था, ये आ गया। ये कभी कभी इसका इंटरफेस इस तरह आता है, कोई इशू वाली बात नहीं, आपको ये एड्स डिस्प्ले करवा रहा है। ये एक टॉप वाला ऐड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चेंज भी होता रहता है। तो अब पोस्ट के अंदर आ जाते हैं, इस पोस्ट में हमने यूज किया था ऐड, तो पोस्ट के अंदर देख लेते हैं पोस्ट में हमें ऐड डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देख लो पोस्ट के अंदर भी हमने ऐड यूज किया था, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। साइड बार वाला भी ऐड चेंज हो गया, पोस्ट के अंदर हमारे दो ऐड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक हो गया। इस तरह से आपके एड्स वगैरह डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पे देखे फुटर के अंदर भी एड्स आने शुरू हो गया, यानी कि इस तरह से आपके गूगल एडसेंस वाले एड्स आपके ब्लॉग के ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड पे आके देखते हैं यहाँ पे अर्निंग हमें कितनी हुई। तो मैं आपको बता दूं, ये साइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी बिल्कुल न्यू है, आपके सामने ही मैंने ऐड किया है, तो इस पर जीरो अर्निंग है अभी, लेकिन इस पर अर्निंग भी होती है, हर काम होता है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे आप अर्निंग विड्रॉ कैसे कर सकते हो, सारा मैथड मैं आपको बता दूँ। जैसे गूगल एडसेंस है उसी तरह ये भी है। अब अर्निंग्स कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट मैथड वगैरह ऐड करना पड़ता है। अब वो कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आ जाना अपने प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल में आने के बाद आपको ये पेमेंट डिटेल पूछता है, तो आपने अपनी पेमेंट डिटेल यहाँ पे देनी है। यहाँ पे आपकी ईमेल आ जाएगी और यहाँ पे आपकी डोमेन आ जाएगी। देखिए फ्री डोमेन हमने ऐड की है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि आप कंपनियों के इंडिविजुअल हो, तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल देनी है, जो हमारी ये ईमेल है, हम इसी ईमेल को यहाँ पे देने वाले हैं। सारी डिटेल यहाँ पे ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू का बटन पे प्रेस करना है। तो देखो आपके यहाँ पे पेमेंट मेथड आ गया। अब यहाँ पे आपने पेमेंट मेथड अपना ऐड करना है, वो आपने कौन सा ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड कौन कौन सा मिलता है, आपको वायर ट्रांसफर मिलता है, यानी कि आप बैंक का, यानी आप बैंक में विड्रॉ ले सकते हो चेक के थ्रू या प्रीपेड डेबिट कार्ड। तो आपने बैंक अपना यहाँ पे ऐड करना है, तो हम वायर ट्रांसफर ही यूज करने वाले हैं। यहाँ पे पेमेंट आपने देख लेनी है कि आपने यहाँ पे कौन सी पेमेंट करेंसी यूज़ करनी है, हम यहाँ पे डॉलर ही यूज़ करने वाले हैं। आपने यहाँ नेम ऑन अकाउंट, आपके अकाउंट पे जो नेम है यहाँ पे देना है आपने। उसके बाद आपने अपना IBAN नंबर देना है, यहाँ पे CNSE देना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, और यहाँ पे अपना स्विफ्ट कोड देना है, यहाँ पे बैंक नेम देना है, बैंक एड्रेस देना है, और यहाँ अपनी ब्रांच कोड देनी है, और यहाँ अपना ब्रांच नेम देना है, बैंक सिटी बतानी है अपने सारे, यानी कि यहाँ पे जितनी डिटेल इन्होंने मांगी है ना आपके बैंक की, वो सारी डिटेल आपने देनी है। बैंक डिटेल ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सभी स्टेप यहाँ पे डन हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड डन हो चुका है, सभी कुछ डन हो चुका है। अब जैसे जैसे देखो अर्निंग्स के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे अर्निंग्स वाले सेक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो जैसे जैसे आपकी अर्निंग होती जाएगी आप यहाँ पे विड्रॉ लेते जाओगे, ठीक है। जैसे जैसे बनती जाएगी वहाँ वैसे वैसे आपको विड्रॉ मिलता जाएगा।
आई होप यार आपने देख लिया हुलिंगा एड नेटवर्क का अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा और कैसे उसे अटैच करना अपने ब्लॉग के साथ। अगर आपने देख लिया आपको अच्छा लगा ये एड नेटवर्क तो यार अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई नई वीडियो लेके आने के लिए। वीडियो के नीचे कमेंट्स करना और बताना आपको ये एड नेटवर्क कैसा लगा है। तो चलो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। चैनल पर पहली दफा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वहां भी फॉलो कर सकते हो।